वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में CCTNS, DCRB व LIU की संयुक्त बैठक पुलिस लाइन के सभागार में किया गया, जिसमें यूपी कॉप ऐप से जुड़े विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गोरखपुर के CCTNS, DCRB व LIU टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि नागरिक सुविधा हेतु बनाए गए यूपी कॉप ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण करें, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। फोन देखता है जैसे देखते हैं सिस्टम बनाइए लिखा हुआ है और इसमें बेसिकली सर करेक्टर और शिकायत इस तरह की चीज़ें जो है अभी रनिंग में है। कर्मचारी का सत्यापन हो गया कहाँ बैठते हो सर? CCTNS सर। अच्छा CCTNS सर कहाँ है वो? सर चुनाव सेल के ऊपर। हाँ सर ऊपर ठीक है सर। इसमें जैसे अभी बेसिकली कर्मचारी सत्यापन और आपका चरित्र सत्यापन ये दो चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ज़्यादा आ रही है। पूरे ऐप के माध्यम से सारा जी सर। लैंडिंग पॉइंट तुम्हारे ही लैब है? लैंडिंग पॉइंट सर तीन है, एक थाना है और एक LIU है और एक DCR है। और रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदन किया जाता है, फिर फाइनली सिग्नेचर होता है। वो कौन करता है बेसिकली सर? डिजिटल सिग्नेचर का फंडामेंटल। आप इसमें पहली राय तो मेरी ये है कि आप लाइन में दो चार से दस लड़कियाँ बैठी रहती हैं सर, लड़कियों को ट्रेड के लिए कंप्यूटर वाले आप जो है लड़कियाँ ट्रेड करिए, खानों की छुट्टी भी पूरी हो जाएगी। का जो CCTNS जो हमारा एक नेटवर्किंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए बैठक थी, जिसमें इंचार्ज और CO LIU RI और बाकी जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं इंचार्ज, उनकी बैठक की, जिससे कि हम और अधिक अच्छे से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं जैसे कि यूपी कॉप है, हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी ईमेल सर्विसेज हैं, उनका हम समीक्षा किए हैं, जिसमें सुधार करके हम जनता को और बेहतर सेवाएं दे सकें।